नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज इस वर्ष के अंत के सत्र में हमारा आज का विषय है थलपोटीचल। थलपोटीचल जिसको सामान्य भाषा में हम शिरोलेप कह सकते हैं, तो इस शिरोलेप को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि शिरोलेप, वैसे लेप के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है, बट ये थल पोटी चल जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। थल यानी मस्तिष्क और पोटी चल यानी एक प्रकार की पोटली या एक प्रकार का लेप अप्लाई करना, और इसी को केरलियन ये वर्ड है, और ये केरलियन वर्ड थलपोटीचल यानी मस्तिष्क या शिरों के ऊपर जो भी अलग अलग प्रकार के लेप लगाए जाते हैं उसी को उन्होंने थलपोटीचल के नाम से बोला है। तो ये केरल में लोकप्रिय प्रकार है, केरल में पंचकर्मा प्रसिद्ध है बहुत ही शास्त्रोक्त तरीके से, और बहुत श्रद्धा के साथ वो वहां पर पंचकर्म को किया जाता। मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने कई बार देखा भी है कि पंचकर्म वही है, बट केरल की पंचकर्म क्यों प्रसिद्ध है, तो उनका थोड़ा तरीका अलग से है और बहुत ही एकदम शांतिपूर्व और अलग तरीके से उन सभी को। इसीलिए महाराष्ट्र में या कहीं पर भी जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं कि केरलियन पंचकर्म, तो केरल में पंचकर्म ज्यादा, मतलब हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं उसके साथ पंचकर्म कराते हैं, बट जहाँ की वो स्पेशलिटी है। क्यों स्पेशलिटी? क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे उनका एक्सलेंस होता है, इसीलिए शायद ये उसकी विचार से बताया गया है। वैसे देखा जाए तो ये पोटली लेप ये सारे अलग अलग थोड़े से प्रकार है, बट सभी का उपयोग जो है एक ही प्रकार का है, शिरो रोगों में और खास करके मानसिक रोगों में इसका बहुत ही अच्छे से परिणाम हमें देखने को मिलता है। लाइक बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसीजेस होते हैं ना आजकल, अवसाद है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मेमोरी लॉसेस होते हैं, और बच्चों में कई बार आजकल बहुत ही बच्चे सेंसिटिव हो गए, बच्चे ही नहीं केवल सभी लोग सेंसिटिव है, थोड़ी सी बातों पर गुस्सा आना और थोड़ी सी चिड़चिड़ करना, मतलब एकदम अनकंट्रोल हो जाता है कुछ, कई बार क्रोध बहुत आने लग जाता है। इसके साथ धीरे धीरे फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ने लगता है, कई सारे मानस रोग इसमें डेवलप हो सकते हैं, और इन सब चिड़चिड़ापन, रजोगुण की अधिकता और मतलब एक प्रकार से मेंटली इरिटेट होने की अधिक प्रकार की जो स्वभाव होता है, उन सभी के चलते फिर आगे चलकर अनिद्रा है, सिज़ोफ्रेनिया है, स्मृति अल्पता है, फिर कुछ डेंड्रफ, हमने डेंड्रफ भी पढ़ा उस दिन, तो उसमें मैंने स्ट्रेस एक फैक्टर बताया था, बस ऐसे कई सारे हैं। और फिर इन सभी का परिणाम हमारे शरीर के जो केश है, बाल है, उनके ऊपर भी दिखता है, तो खालिद के पालिद के भी फिर डेवलप हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो क्रिया क्षमता है, क्रिया शक्ति है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जैसे हम लोग कुछ ऐसे मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं ना, और हमेशा तनावपूर्ण जो एक हमारा व्यवहार होता है उसके साथ जितना आपका मन प्रसन्न, मन शांत स्थिर रहेगा, मन की सात्विकता अच्छी रहेगी, उतना हम लोग अच्छे से अपने एक्टिविटीज, हमारे डेली काम और कुछ अलग से जो क्रिएटिविटी है उसके लिए तो आपको मन की शांति और मन की सात्विकता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे सारे बातें आज के इसमें हम लोग, बहुत कई बार ऐसे होता है कि लैकुना हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है, एक्टिव है, बट बहुत स्टैमिना कम होता जा रहा है। तो बस ऐसे ही कुछ व्याधियों में जो हम लोग शिर के ऊपर लेप लगाएंगे इसी को थलपोटीचल कहा गया है। इसकी मैं विधि आपको बता देती हूँ। थलपोटीचल में उपयोग में लाए जाने वाले जो द्रव्य है, आमतौर पर कोई भी द्रव्य आप लगा सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा जो द्रव्य यूज किए जाते हैं ना इसमें, वो है आमलकी का काफी यूज होता है। आमलकी, आमला जो रसायन के रूप में काम करता है, मुस्ता का काफी उपयोग होता है, पंचगंध चूर्ण है, कुष्मांड है, ब्राह्मी है। अभी ब्राह्मी के बारे में आपको पता है कि जहां पर आपको लगता है स्मृतिमान है, अनिद्रा है और तनाव है वहां पे, और उन्माद अपस्माद जैसे व्याधि में आप ब्राह्मी का, अनिद्रा में ब्राह्मी का उपयोग करेंगे। जहां पर आपको रसायन करनी है, पेशेंट बहुत खुश है, दुर्बल है, चिड़चिड़ा है और लाइक असात्विक है, वहां पे आप कुष्मांड प्रयोग करिएगा। कुष्मांड ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है और रसायन भी, धातु का पोषण भी करता है, बच्चों के लिए कुष्मांड अच्छा रहेगा। और ओवरऑल आपको रसायन करना होगा, स्ट्रेस कम कराना होगा, तो आमलकी अच्छा होता है। तो जो भी आपको चूर्ण चाहिए उस चूर्ण का 250 ग्राम आपको ये लेना है आमलकी। फिर आप इसको जो पेस्ट बनाएंगे इसके लिए छाछ का या दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 900 ml यानी एक आध लीटर आपको ये लग जाता है। फिर आपको पत्र लेने हैं, कमली पत्र, कदल पत्र, यानी बनाना का जो लीफ होता है ना, पत्ता, केले का पत्ता बड़ा सा,
केले के पत्ते क्यों? क्योंकि केले के पत्ते को लेकर मैंने कई बार आहार का डायटिक्स का जो मैं बताती हूँ उसमें भी मैंने बताया था कि अलग अलग जो पात्र हम लोग खान पान के लिए यूज करते हैं उसका असर भी उस आहार के गुणों पर होता है। और इसीलिए शास्त्रीय पद्धति से पुरातन जमाने से बनाना लीफ का उपयोग ये खाने के लिए पत्र के रूप में किया जाता है। आज भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों में होटल में भी आप जाते हैं तो वहां पर बड़े से केले के पत्ते पर अच्छे से आपको परोसा जाता है। और केले के पत्ते के गुणधर्म को देखते हुए उसका जो खाना है उसके ऊपर जो खाना डाला जाता है उसके साथ हमारे शरीर का भी पोषण होता है, तृप्ति होती है, अच्छे गुण हमें मिल जाते हैं, सात्विकता हमें मिल जाती है। तो खास करके मैंने देखा है कि शादी ब्याह कितने भी बड़े से बड़े प्रोग्राम हो वहां पर भी ये केले का पत्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा पट्टबंधन कराने के लिए कपड़ा लगेगा, कॉटन का बैंडेज टाइप का, गैस स्टोव वगैरह लगेगा, बर्तन लगेगा आपको, टॉवेल लगेगा। और रासना चूर्ण, पेशेंट को कई बार थोड़ी चक्कर या फिर प्रतिजाए से ऐसे लक्षण वगैरह होता है तो वहां पे हम लोग रासना चूर्ण लगा देते, कोई भी शिरो की प्रक्रिया कराते हैं, तक्रधारा शिरोधारा उसमें भी थोड़ा सा रासना चूर्ण लगाया जाता है। अभी सबसे पहले हम लोग ये सारे इकट्ठा कर लिए हमने सारे इंद्र लाइक संभार द्रव्य संग्रह, फिर बाद में औषधियों का निर्माण। औषधियों का निर्माण करने के लिए आमलकी के अंदर के बीज को निकाला जाएगा और इस बीज को हम लोग 900 ml जो हमने दूध लिया है या तकर लिया है इसमें भिगो कर रख देंगे और फिर इसका अच्छे से कूट कर लेप या कल्क बना देते हैं। अभी ये कल्क मतलब बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, पतला रहेगा तो फिर सिर पर बैठेगा नहीं, और बहुत ज्यादा घट्टा भी नहीं चाहिए, तो इट शुड बी लाइक सेमी सॉलिड टाइप का ये रहना चाहिए। रुग्ण सिद्धता में क्या करना है, रुग्ण को ये कब देना है, सवेरे के टाइम पे दे सकते हैं, दोपहर 3 to 5, 6 PM तक आप इसको दे सकते हैं। तो रुग्ण को सवेरे मलमूत्र निकाल उसका विसर्जन करने के बाद में शुचिकर्म करने के बाद में हम लोग उसको बुला लेते हैं। जब भी कोई शीर की प्रक्रिया करनी होती है तो शीर पर बहुत कम बाल चाहिए, कम बाल हो या फिर उसके बाल थोड़े से कम भी कर दिए तो भी आप चलता है, क्योंकि अच्छे से फिर वो लेप लगेगा नहीं, बाल अगर होते हैं ना, केश होते हैं, तो इसीलिए आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें दो तीन प्रकार से इसका लेप किया जाता है, थलपिटी चल, तो एक एक मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, हल्का सा शिरोभाग पर हल्का जो भी तिल का तेल है, चंदन बला का तेल है, उसके साथ अभ्यंगा हल्का सा करेंगे हम लोग। अभी जो कल्क हमने बना लिया है आमलकी का उसको हमें लगाना है, इसकी जो मोटाई होगी ब्रीड होती है वो होगी 1 to 3 cm तक होगी। सो लेप कैसे स्टार्ट करेंगे, लेप करते समय सबसे पहले हम लोगों को फ्रंटल साइड से ललाट के साइड से स्टार्ट करना है, ललाट का साइड, फिर थोड़ा सा उसका दक्षिण भाग पश्चिम भाग में जाते जाते फिर हम लोग लेफ्ट साइड में आ जाते हैं और वहां पे हम लोग लेप लगा देते हैं। अभी इसमें क्या करना है कि सेंटर का जो पोर्शन होगा तो इस सेंटर के पोर्शन में थोड़ा सा आपको एक स्पेस रखनी है, होल रखना है जहां पर हम लोग तेल डालेंगे, है ना। और फिर पूरा अभी आपने पैक लगा दिया है, कल्क लगा दिया है, और अभी आपको क्या करना है, जो कदली पत्र बनाना का लीफ हमने लिया था इस लीफ को आपको बीच में ये बीच का होल छोड़कर पूरी तरह से उसको लिप्त कर देना है, मतलब उसके अच्छे से उसको बांध देना है ताकि जो लेप हमने लगाया है वो कहीं गिरे ना और वो अच्छे से चिपक कर माथे पर बैठ जाए। इसके लिए आपको ये करना है, हमने बीच में थोड़ा सा ओपन होल रखा है। ठीक है, अभी इस होल में हम लोगों को ऑयल भरना है। ऑयल में तिल तेल, चंदन बला लक्षादी तेल, नारियल तेल, और आप व्याधि के हिसाब से भी तेलों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गई पहली मेथड है। दूसरी मेथड इसमें क्या है, दूसरी मेथड में बताते हैं वही सेम है कि हाँ एक और बात है इसमें, हम लोगों को ये यहाँ से कपड़े का बंधन करवाना होगा और ऊपर से फिर हम ये लेप लगाकर कदली का ये कराते हैं। तो अभ्यंग कराना है, पट्टबंधन तो कराना है, पहले हम इसको प्रथम 3/4 कल्क लेप के लिए लेंगे, मध्य भाग में लेप करेंगे, फिर राइट साइड में जाकर फिर पोस्टीरियर साइड, फिर लेफ्ट साइड पर ऐसे लेप कराएंगे को, मतलब एक कोई भी ये जगह हम लोग वहां पे नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार से 3/4 कल्क हो जाने के पश्चात तो, मतलब इनका ये मानना है कि सब तरफ से लेप लगाएंगे। अभी क्या करना है, जो पहला हमने लेप जहां पर लगाया था उसको निकाल देना है, थोड़ा सा जो मध्यम भाग में लगाया था उसको निकाल देंगे और वहां पे पुनः दूसरा लेप लगाएंगे, फिर दूसरी जगह पे जो लगाया था उसको निकाल देंगे, फिर नया लेप लगाएंगे। तो ये क्रिया उनको कम से कम लाइक 2 से 3 बार करनी होगी। उनका कहने का ये है कि आपने पहला यहाँ पे लेप लगा दिया, फिर
पूरा भर दीजिएगा। अब यहाँ पे पहले लगाया था इसको निकाल दिया, उसमें ऊपर थोड़ा सा दूसरा वाला लेप, फिर बाजू का निकाल देंगे, वहां पे फिर से लेप लगा देंगे। तो ऐसे 2-3 बार करेंगे 30 to 45 minutes तक। तो शायद 5 से 10 मिनट में जो हमने लेप लगाया था, दूसरा लगाते समय 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, तो कोई भी लेप 10 से 15 मिनट ही काम करता है। इसीलिए शायद दूसरी विधि में यही बताया गया है कि उसको निकाल देते फिर दूसरा लेप वहां पर लगा देना है। ठीक है, तो ये आप शाम के 6 बजे के पहले यानी आफ्टरनून में करते तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार पेशेंट को प्रतिशाय, सर्दी, काफ, कफ वगैरह हो सकता है। अगर पेशेंट की प्रकृति कफ होती है तो इसीलिए आपको इसको शाम के समय में नहीं करना है, 6 बजे के पहले, या सवेरे के टाइम पे आप 7 से 10 बजे तक इसको कर सकते हैं। पश्चात कर्म में क्या करना है, पश्चात कर्म में आपको ये लेप आपने निकाल दिया, लेप निकाल लेने के बाद हल्का सा अभ्यंग करवाइएगा। अभी रासना चूर्ण जो हमने लिया था उसको मस्तिष्क के यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दीजिएगा और आराम करने को लगाइएगा, और थोड़ा आधा घंटा हो गया पेशेंट सेटल हो गया, उसको गुनगुने पानी से हम लोग बाल धोने को यानी जो भी शिर भार है मस्तिष्क को धोने को साफ करने को लगा देते हैं, पोषण जल के साथ स्नान करने को बोल देंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये प्रोसीजर थलपिटी जल की जाती है। इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, सावधानी के रूप में आपको शीत यानी ऐसे नहीं करना चाहिए कि मसाज कर लिया, अभ्यंग कर लिया, लेप लगा लिया और जाके फैन के नीचे बैठ गए या बाहर चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको निर्वात स्थान पे रहना होगा, धूल कोई हवा ऐसे नहीं करना, उसका भी सेवन नहीं करना। अगर पेशेंट आया है उसने कर लिया और घर जा रहा है वो, तो पूरा पूरा जो मस्तिष्क है, सर है, पूरा अच्छे से कपड़े से ढक ले, है ना, टोपी पहन ले या बांध ले, रुमाल बांध दे, ताकि वायु का सेवन वो ना करे। कई बार क्या होता है उपद्रव के रूप में प्रतिसाय हो सकता है या शिरशूल भी हो सकता है। तो ये है थलपोटी चल। अम्ल की चूर्ण का पेस्ट आमतौर पर यूज किया जाता है छाछ में या दूध में, इसको पकाकर इस प्रकार से आपको लेप करना है और फिर कदली पत्र बनाना, लीफ को कवर करना है और सेंटर में तेल डालना है। अगर तेल नहीं डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा भी लेप लगा सकते हैं। बस ये 2 विधियां मैंने आपको बता दी है। इसी का मिलता जुलता एक प्रकार है, इसी को मस्तिष्क के रूप में बोला है आचार्य सुश्रुत ने, मस्तिष्क करके ये क्रिया वर्णन की है, तलम इसका नाम है। यहाँ पे तलम यानी तल भाग पे, मस्तिष्क के तल भाग की साम्यता रखने वाली ये क्रिया है। ये तलम जो क्रिया है इट कैन बी डन ड्यूरिंग स्वेदन के पूर्व कर्म के रूप में। जो लोग निद्रानाश का शिकार है उनमें, डेंड्रफ के रोगों में, त्वक विकारों में, शिरशूल में, मानस रोगों में इसको हम लोग कर सकते हैं। वही सेम है तलम यानी प्रतिशाय या श्वास के रुग्ण में इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसमें भी पंचगंध चूर्ण, एलादी चूर्ण या कर्पूरादि चूर्ण, बलामूल चूर्ण, ऐसे चूर्ण अम्ल की चूर्ण को लेना है। और वही अभी मैंने जो बताया था 200 ग्राम हम लोग ये लेंगे, फिर 800 ml तकर लेंगे, तेल लेंगे अभ्यंग के लिए थोड़ा सा और धारण कराने के लिए, रासना चूर्ण लेंगे। बस अभी हमने जिस प्रकार से तक्र में इसको पकाया था, तक्र में पका देते हैं, उसका लेप बन जाएगा, इस लेप को धारण करा देते हैं और हल्का सा मसाज करके और आधा घंटे के लिए इसको रख देते हैं। और बाद में अभी ये जब तक रखा है हमने लेप लगाकर, वो जो 15-20 मिनट होते हैं आप उसमें मन्या, स्कंद, पृष्ठ पर थोड़ा हल्का हल्का सा मसाज पेशेंट का कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये 40 मिनट्स तक एवरेजली किया जा सकता है। पश्चात ये लेप को, इस पिष्टी को निकाल देते हैं और अच्छे से कपड़े से पोंछ कर गर्म पानी से इसको सर साफ करने को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है थलपिटी चल या तलम या मस्तिष्क नाम की क्रिया, जो शीरो लेप के नाम से भी हम लोग इसको लेख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो लेप हम लोग पढ़ते हैं इसमें भी इसका समावेश किया जाता है। बेनिफिट्स जैसे मैंने बताया, एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, एग्रीवेटेड पित्त, एग्रीवेटेड वात दोष कम होगा, प्रमोट स्लीप प्रमोट करेगा, सात्विकता को प्रमोट करेगा, ये एपिलिप्सी, स्मृति मांद्य, स्मृति भ्रंश, इरिटेबल कुछ जो चिड़चिड़ापन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, सब कुछ इम्प्रूव करेगा, आपके सेंसेस को इम्प्रूव करेगा, मस्तिष्कगत जो भी दोष है और मस्तिष्कगत जो भी सर्कुलेशन है इसको इम्प्रूव करेगा, एंजाइटी स्ट्रेस को रिलीव करेगा, नर्व स्टिमुलेशन करेगा, जो आपकी नर्व्स कमकोत होती है ना, कमकोत होने से फिर ज्यादा कुछ भी स्ट्रेस सहन नहीं होता है, चिड़चिड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग स्वभाव नहीं होता है, वो कंफ्यूज्ड रहता है। तो ऐसे लोगों में भी आप शिरोलेपम या थलपिटी जल का उपयोग कराते हैं तो इट इज रियली गुड वन, जो आपको बहुत ही एक हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मेंटल
एक प्रकार की वीकनेस आती जा रही है न्यू जनरेशन में, तो ये न्यूरोटॉनिक इलनेस को भी ट्रीट करेगा, टेंशन को, माइग्रेन को भी बहुत अच्छा है, रिलैक्सेशन। आज हम लोग ऐसे है ना कि हम लोग कुछ भी करने को तैयार है, बस हमें अच्छा लगे, रिलैक्स फील हो, कोई स्ट्रेस ना रहे, कोई चिंता मन में ना रहे, और स्लीप अच्छी, नींद अच्छी आए, आपका स्काल्प का भी हेल्थ अच्छे हो, कोई हेल्दी हेयर को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, मेमोरी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे इसके फायदे हैं थलपोटी चल के, जो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको कराने का। बस आपको कोई भी मेडिकेटेड हर्बल पेस्ट चूर्ण को अप्लाई करना है, जो आप हेयर प्रॉब्लम से लेकर कफ की विकारों में, मेंटल विकारों में, पित्तवात रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, शिरशूल में, साइकोसोमेटिक डिसीजेस में ये काफी अच्छी ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। तो ये था थलपोटी चल या तलम मस्तिष्क की चिकित्सा। बताइए, नमस्ते सभी को। नमस्ते रेखा जी, अंजलि जी, बोलिए। यस मैम, डॉक्टर रेखा जी, रंजीत जी बोलिए मैम। मैम नमस्ते मैम, आज अभी अभी ज्वाइन किया इसलिए मुझे पता नहीं ज्यादा। ओके यस, हो गया आज भी मैंने। हाँ बोलिए बोलिए। अभी दोनों को मैं आज पंचकव्य 80-80 ml दिया है दोनों को, और कल मेल को तो दोबारा कोई मोशन नहीं आया, उसके बाद जो निरूहन हुआ जो उसी टाइम हुआ, लेकिन फीमेल को दोबारा से शाम को फिर से आया था। हाँ ठीक है, एकाद आ सकता है, ठीक है, बट हाउ दे आर फीलिंग, कैसे लग रहा है उनको? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट फील कर रहे हैं वो लोग। वेरी नाइस, ये इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को अच्छा लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है ना। और बताइए। मैम, एपिलेप्सी के पेशेंट में हम लोग अभी ये इसके साथ साथ और मेडिकेशन क्या दे सकते हैं? कौन से पेशेंट में मैम? मैम एपिलेप्सी का पेशेंट है, जैसे अच्छा, एपिलेप्सी में तो फिर हम लोगों को वहां पे ये भी है ना, मानसिक चिकित्सा भी है उसमें, तो कई सारे है, त्रासन और अंजन चिकित्सा है, अभ्यंग है। एपिलेप्सी में तो थोड़ा सा त्रासन पीड़न वगैरह भी बोला है, बट मेरे विचार से इंटरनल मेडिसिन के रूप में आपको इसमें ना मैम शिरोधारा वगैरह भी काम करेगी, मानस मित्र गुटिका है, ब्राह्मी वटी अच्छा काम करेगी। एपिलिप्सी अभी आप मतलब एपिलिप्सी यानी फीड्स वगैरह आते उस अवस्था से बोल रहे हैं? यस मैम, एक पेशेंट था लेकिन फिर वो एक महीना उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसने बंद कर दिया, वो एलोपैथिक मेडिसिन ही ले रहा था, तो फिट्स आते थे उसको हफ्ते या 15 दिन में एक बार, और वो 2 से 5 मिनट तक रहते थे, मुंह से झाग भी निकलता था। तो उनको सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी मैंने और सारस्वतारिष्ट यूज करिएगा, सुवर्ण सारस्वतारिष्ट। हाँ तो मैम शुरू तो किया था लेकिन ये लोग फिर वही रहता है, कंटिन्यू नहीं कर पाते कि महंगा है ये है, ऐसे करके छोड़ दिया था। तो मैं मतलब मैम चांसेस क्या रहते हैं कि अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो चाहे पुरानी से पुरानी एपिलेप्सी तो ठीक हो सकती है क्या? मैम कैसा है, इसके वेगों की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो हम लोग कम कर सकते हैं, और एपिलेप्सी का देखा है ना कई बार लाइक अपने आप भी धीरे 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 एज के हिसाब से ये कम होता है। अभी इसमें भी वातज है, पित्तज टाइप का है, कफज टाइप का है, वो भी हम लोगों को फिर पॉजिटिव कुछ है क्या वो भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री है क्या। नहीं मैम, जैसे पेशेंट पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा या तो मैम ऐसे मेरे विचार से ना पूरा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो 1-6 महीने कम से कम, साल लगेगा। आपको नस्य है, सब कुछ है इसमें ना, काफी सारे ट्रीटमेंट प्लान करने पड़ेंगे, मतलब पूरा ही दोषों का विचार कर हम करेंगे तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कम होते जाती है, और वैसे भी कुछ उसमें परहेज वगैरह लाइक करने पड़ेंगे आपको, लाइक ट्रैवलिंग का है, अकेले रहने का है वगैरह वगैरह, वो सारे तो आप सभी जानते हैं ना लाइक। बट सुवर्ण सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र, पंचकर्म थेरेपी, कुछ शिरोधारा, शिरोपीचू, अभ्यंग, सब कुछ करा करा कर निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, 50-60% तो फर्क पड़ता है।
कितने दिन की हिस्ट्री थी पेशेंट पे? मैम 3-4 साल की थी और 23 साल का लड़का ही था, तो वो बॉम्बे में काम करता था या यूपी में रहता था, तो महीने भर के लिए आया था। तो मैंने शुरू किया ट्रीटमेंट उनको, उसको थोड़ा सा आराम तो लग रहा था, तब फिट्स उस समय नहीं आया उसको, लेकिन यही कि फिर वो कंटिन्यूएशन में नहीं, वो लोग आगे कंटिन्यू कर पाए, फिर वो चला गया बॉम्बे कुछ वापस। तो देखा वो आपने, MRI वगैरह देखा था? MRI वगैरह उसने पहले से, उसका कुछ नहीं था, बस यही था कि वो भाई कभी च्युइंग हो जाती थी या मुंह से झाग निकलने लग गया या हाथ पैर में वो ऐंठने लग गए, ऐसा ऐसा था। तो फिर बोल रहा था धीरे धीरे महीने में एक बार आना शुरू हो गया था, तो था पहले बस ये कितना था फ्रीक्वेंसी, पहले कितनी थी? मैम हफ्ते में वही 1-2 दिन आता था और 1 से 2 मिनट तक रहता था। हाँ मैम, इसका मैंने कैसे देखा है ना, बहुत वेरिएशन में देखा है, कुछ लोगों को महीने में, कुछ लोगों को साल में, 6 महीने में। तो फिर एक विचार मैंने देखा ऐसे, इसके साथ तो बड़ा कोई हादसा, मैंने कई लोगों को मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों को भी देखा है फिट्स के साथ तो चलते हुए, बट कोई ऐसी आपत्ति नहीं आती, साल में एक आध बार आता है। और इसके पीछे कोई स्ट्रेस फैक्टर रहता है? अच्छा, मतलब जैसे वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है ना, कुछ तनाव बढ़ जाता है तो फिट्स आता है, और फिर बाद में वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल से सब कुछ चलता है, बट वही रिस्क रहता है। तो जितना हम लोग इसको काउंसलिंग करें, रसायन चिकित्सा करें, मन की सात्विकता को बढ़ाए, फिजिकल फिटनेस को ध्यान रखते हुए, रसायन चिकित्सा ही बेस्ट रहती है, तो वो जितना अच्छे से करते रहेंगे उतना तक वो ये होता है, धीरे 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 फिर वो उसके जो सीजर्स होते हैं ना, अटैक्स होते हैं, वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है। मैम एक्चुअली उनको ही बोला था कि डाइट पे रखा था मैंने, तो वो नॉन वेज प्रिफर करते हैं वो लोग, तो वो डाइट को ही नहीं फॉलो कर सकते रहे कि मैं रजोगुण बढ़ता है ये ना मैम, फिर रजोगुण तो बढ़ता है ना, रजतमोगुण बढ़ जाते हैं। तो सात्विक, वही बोल रहे, सात्विक आहार, सात्विक विहार, और फैमिली का सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, लाइक अगर शादीशुदा है तो घर के बाकी लोगों का, सदस्यों का सपोर्ट, और सब हमेशा उनको मतलब एक फीलिंग, हमेशा थोड़ी प्रोटेक्टिव फीलिंग चाहिए होती है। कई बार इनमें ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है, और कुछ हिस्ट्री मिलती ही है ऐसे लोगों में, कहीं ना कुछ कहीं फ्रस्ट्रेशन एनजीटी भी होता रहती है मुझे लगता है है। कि है मतलब नई भी है, तो अगर अब भाई 20-21 साल का लड़का है अब उसको शुरू हो गया अचानक से हाँ मैंने भी तो देखा, अभी मेरे भी एक, मेरे पास भी एक केस थी वही टाइप की थी, 20-22 साल का इंजीनियर लड़का है, और कुछ नहीं था, अच्छा था वो पहले से ही, बट पता नहीं क्यों उसको अचानक से शुरू हो गई, वो भी काफी परेशान ही था, लाइक ऐसे अचानक से हो गया वो भी। मतलब मेन प्रॉब्लम ये होती है ना मैम, ये लोग डाइट का ही, जैसे मैं रेगुलर पेशेंट में भी अगर डाइट का बता दूं परहेज, तो फिर वो लोग फिर विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं कि डाइट परहेज नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं करेंगे, मैम, तो वो वहां क्या दिक्कत हो हो गया है ना कि जाती है। वो सभी को ऐसे लगता है ना कि क्या फर्क पड़ने वाला है डाइट के साथ, वो सभी हम बातें हम लोग समझते हैं, बट हाँ सभी को ये समझ में नहीं आता ना कि ये डाइट मैम से। कितना भी हाँ कन्विंस करने की कोशिश करो, अब जो कर ले जाते हैं तो उन्हें विद इन अ वीक रिजल्ट मिल जाता है, बाकी यस, सारे फिर धीरे धीरे विड्रॉ करने अब लगते इसमें हैं। मैम जटामांसी चूर्ण है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नस्य के रूप में है, अभी मैंने रासना का आपको बताया था, रासना चूर्ण है, आप इस सभी का तगर भी काम अच्छा करता है, जो मतलब एक प्रकार से ना तगर एक अच्छा काम करता है, इसमें लहसुन का है, लहसुन वात का शमन करने वाला है, ब्राह्मी है, कुष्ठ है, कुलथ है, ये सारे अच्छे द्रव्य है, आप पंचगव्य का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है हाँ मैम जैसे पंचगव्य। गोमूत्र चलाया था तो गोमूत्र मुझे लग रहा था उसका अच्छा रोल रहेगा, तो गोमूत्र उसको बोला था, और मैंने ज्यादा से ज्यादा गाय का घी और गाय का दूध सेवन करने के लिए यस बोला यस, गाय था, का घी तो बेस्ट तो ही है बिल्कुल, ये ब्राह्मी अब गाय घृत का घी कहाँ से लाएंगे और दूध कहाँ से कल्याणक घृत है लेंगे। वो मैम, पेशेंट्स को ना आजकल मतलब इतना उनका स्टेमिना भी नहीं होता है कि वो राह देख के इंतजार करे, उनको भी तुरंत ही चाहिए होता है सारा कुछ। नहीं मैम मंगा के रखा भी मैंने ब्राह्मी ग्रह, और ये पर मैंने ब्रह्म ग्रह मंगाया इवन और सारा सिद्धारिष्ट वगैरह, लेकिन वो आया ही नहीं दोबारा, फिर बेकार हो गया मैंने कहा अब देखो। नहीं, इसका तो मुख्य लाइक ना ये डाइट जो होता है ना, अल्कोहल, फिश और नॉनवेज, ये डाइट इसको ये करता है, और अतिश्रम भी है, अति चिंता है, कहीं ना कहीं ये भी एक हेतु बन जाता है। हाँ मैं विरुद्ध आहार तो है मुझे लगता है वो भी रहता है इन लोगों का। बिल्कुल रहता है, नहीं बासी खाना या लाइक अच्छे से सत्वहीन खाना खाना वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया फिर इसमें, है ना। बट मानसिक रोगों में थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा कम ही है वैसे, और लाते भी है पेशेंट के, तो पेशेंट को तो बहुत समय
कुछ बीतने के बाद, क्रोनिक बढ़ जाने के बाद ऐसे लाते कि वहां पे वो डिपेंडेंट हो जाता है टैबलेट्स के ऊपर, एलोपैथी टैबलेट्स के ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है पेशेंट। वैसे भी मेंटलिस्ट में काउंसलिंग और जो परिवार के लोग हैं ना, उनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। मेंटल विकार तब भी होते हैं ना जब अकेलापन ना, स्ट्रेस फैक्टर हो, तो वो चिड़चिड़ापन वगैरह, यही तो इसका कारण होता है ना। जी मैम। यस, और बताइए। हाँ मैम, रंजीत जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए मैम। आपने वो जो एडनोमायोसिस की पेशेंट थी उनमें बोला था ना कि फलग्रित के साथ मतलब मात्रावस्थी देने को, तो उनको मतलब जो वेग था वो मतलब पहला वेग आया तो वो मात्रावस्थी देने के 1 घंटे के बाद ही आ गया था, तो इसमें कोई नहीं, कोई ठीक है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता है। यस मैम। तो मैम मैंने मात्रावस्थी के बाद 1 घंटे में ही आ रहा था। यस मैम। ठीक है। तो मैम एक हाँ उनके ना मतलब पेन रहता है लोअर अपडोमन में और साथ में मतलब हेडेक भी रहता है थोड़ा। अच्छा, हेडेक आपने बोला था शायद मुझे ना उस दिन भी बोला था। उनकी क्या पित्त प्रकृति है क्या? मैम पित्त ही है, पित्त कफज है मैम उनकी प्रकृति। और खान पान में क्या वो थोड़ा परहेज करते हैं नहीं करते हैं? मैम खान पान में अभी मतलब उनका परहेज है, मतलब अब जब उनको बोला है तो वो मतलब करते हैं अभी। अच्छा, करते हैं, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं ना हेडेक का कारण या फिर कोई स्ट्रेस फैक्टर भी होगा उनका, मैम थोड़ा स्ट्रेस। अनुलोमन करवाते हैं फिर पित्त का शमन करवाते हैं। यस मैम। तो मैम अभी मतलब अभी क्या मात्रावस्थी चल रहा है? ठीक, अभी तो मैम आपने मतलब मात्रावस्थी बोला था मतलब फलग्रित के साथ वो ही मतलब आज स्टार्ट किया है, और साथ में आपने टंकन भस्म बोला था वो दी है, और एक आपने बीज पुष्टिकर रस बोला तो वो भी आज स्टार्ट किया है मैम। आपने क्या बोला, मात्रा ये 1 घंटे के बाद ही आ गया क्या उनको प्रत्यागम बस्ती का? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है, अभी वैसा मात्रा बस्ती का प्रत्यागम काल तो 12 घंटे का है, 12 और 24 घंटे का, और आचार्य बताते हैं कि कई बार ना बहुत ही कम मात्रा में होता है ना ये, तो अगर वो प्रत्यागम नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, तो थोड़ा और यस उसको कितना दिया था, कितना ml दिया था? मैम मैंने आज उनको मतलब 80 ml दिया था। अच्छा ठीक है, अभी बढ़ाई मत मात्रा, थोड़ी कम करे तो भी चलेगी, 70 ml करेगी तो चलेगी, 70-60 ml। पेशेंट का क्रोष्ठ मृदु है क्या? यस मैम, मृदु कोष्ठ है उनका। 60 ml दीजिएगा मैम, 60 ml मृदु कोष्ठी में थोड़ा बस जल्दी असर दिखेगा ऐसे। और हेडेक यस के मैम। लिए अभी क्या चल रहा है उनको? हम अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने आपने मतलब हाँ बोला था बीज पुष्टिकर रस बोला था और टंकन भस्म बोला था, तो पित्त मैंने वो शमन ही के लिए दिया कुछ अभी। चल रहा है? गुलकंद वगैरह है अभी पत्ती कर है क्या उनको, हेडेक वगैरह रहता है क्या? सूत मैम शेखर पहले दिया था जब आपने पहले शंखवटी बोली भस्म बोला था और साथ में सूत शेखर रस बोला था तब दिया था उनको। उनको ना अभी वैसे मेरे विचार से उनको गुलकंद या प्रवाल मुक्ता का कॉम्बिनेशन बनाकर वो रखे, और लाइक 125 मिलीग्राम डेली भी लेते हैं तो 7 दिन चलता है, क्योंकि हेडेक हो रहा है तो प्रवाल मुक्ता ही दीजिएगा। ओके मैम। हाँ मैम मिलाकर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मैम आप दोनों बता मिलाकर दोगे 125 थोड़ा मिलीग्राम दोनों मिलाकर सा 125। हाँ, और गुलकंद घर मतलब। में रखे उनको बोलिएगा गुलकंद, और आहार में दाढ़ी दूध का घृत का समावेश करते रहे, वो ऐसे भी उनको अच्छा ही रहेगा इसके लिए भी, है ना। यस मैम। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस। और कोई केस या कोई डिस्कशन रेखा जी आप करती हैं कुछ? शिरोबस्ती, शिरोधारा, शिरो पीछू, अंजलि आप? नो मैम। मैम शिरो पिछु और शिरो अभ्यंग ये सब किया है, नस्या। नस्या तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल। हाँ ओके। मैम एक क्वेश्चन था कि पुत्रंजीवक और शिवलिंगी का जो पाउडर है ये क्या थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम खिला सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आनेगा? नहीं ऐसा तो कुछ हार्मफुल नहीं है, बट वैसे जरूरत नहीं होती है, मतलब मेरे विचार से इतना कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं आपको गर्भपात रस और करूंगी। गर्भ का पोषण करने वाले कई सारे विकल्प मिल जाते हैं, तो शिवलिंगी और पुत्रजीवक का तो मेन गर्भ धारणा के लिए है और गर्भ का पुष्टि कराने के लिए है, तो
क्योंकि कई बार भी इसमें भी ग्रंथों में भी जो गर्भा की मासानुमासिक जो मेडिसिन बताई ना उसमें भी नहीं बताया उन्होंने, मासानुमासिक जो भी जिस प्रकार की भी ग्रोथ होती है उसी के विचार से उन्होंने सारे विकल्प दिए ना गर्भा के। आचार्य वाग्भट ने जो मासानुमासिक वटी बताई है गर्भा अवस्था में, तो उसमें भी कई ऐसे मुझे तो नहीं मिला रेफरेंस की। हाँ कर सकते हैं बट मेरे विचार से जरूरत नहीं है, नहीं तो मैम जिनमें कितने मिनट तक वो दें, जैसे कॉन्शियस ना। पेशेंट एक केस है मेरे पास तो वो कंसीव नहीं कर रही थी, फिर वो कंसीव कर गई तो वही पतंजलि वेरी शिवलिंगी पीच कंटिन्यू था, लेकिन उनका जो एग की क्वालिटी थी उसकी बहुत पुअर थी वो, तो नाइस। बीटा की ट्रीटमेंट से मैम कंसीव तो हुई लेकिन 1 महीने के बाद ही उसका बीटा एससीजी कराया तो बहुत लो था, तो फिर मैंने उसको प्रोजेस्टेरॉन और एससीजी के इंजेक्शन वगैरह स्टार्ट किए कि शायद कुछ काम बढ़ जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये था कि ग्रोथ रिटार्ड हो गई थी, यूएसजी कराया तो फिर मैंने उसको फिर वही नहीं मैम हुआ, फिर एज क्या है मैम पेशेंट की? एज 25 ईयर्स ओल्ड है हाँ, और फिर क्या एक काम करिए ना, उनको अभी कंस्यू कराने के पहले ही शोधन कराकर रसायन करिएगा। शोधन रसायन फलग्रुप का बस्ती और शतावरी अश्वगंधा बला इनका क्षीरपाक वगैरह देते हैं ना, तो एक की क्वालिटी इंप्रूव होती है। मैम ये ये लारे सब गंध है दे रही हूँ फलग्रह का ही, मैम उसे पिच्छू बोला है मैंने रखने के लिए, तो वही अभी मैं पूछ रही आया थी क्या उसको? कि मैं मतलब अभी हो गई क्या वो फिर से नहीं कंस्यू? मैम मेंसेस नहीं आए, मैंने एक्चुअली उसे एमआर वैक्सीन भी दे रखी है, क्योंकि मैंने कहा अगर कोई इन्फेक्शन ऐसा होता है तो फिर वो तो भी मैम एक बार कंसर्न आप होता है। पूरा ही ऐसे तुरंत ये करने से अच्छा है ना, 3-4 महीने का गैप देकर पूरा ही टॉर्च वगैरह कराकर, टॉर्च नील हाँ और मैम मना शोधन विरेज। किया गई कि 3 महीने के लिए मैंने अभी उसे बना किया है कि मतलब नहीं रखना, साथ में नहीं रखे, रहना और 3 नहीं 6 कंसीव महीने का नहीं गैप करना दीजिएगा, और पूरे है। उस ओके छह मैम महीने में ना आप पूरा उसका एक बार क्रूबिक चिकित्सा, टॉर्च नील का एक डोज पूरा 1 महीने का, क्रूबिक उठार का एक पूरा डोज, विरेचन ओके एक बस्ती मात्रा बस्ती का कोर्स, ऐसे हर महीने में एक एक करिएगा, और फिर 2 महीने का गैप देकर 2 महीने में रसायन करिएगा, और फिर आप गर्भधारणा के लिए प्रयास करें। मेरे विचार से क्या होता है ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें पुत्रग्नि योनि अपवर्त कहा है, मतलब रिपीटेड अपोर्शन, उनका गर्भाशय उसको रिसेप्ट ही नहीं कर पाता या ग्रोथ ही नहीं हो पाती, तो आप नहीं मैम गर्भाशय उसकी तो मजबूत एग की बना। क्वालिटी बहुत पुअर है, कंसीव करने के चांसेस ही वही तो, नागे बराबर थे बिल्कुल, हाँ ये तो यस कि यस एग एक की की क्वालिटी को क्वालिटी इम्प्रूव भी कराने तो के लिए तो शोधन रसायन ही है। मैम अभी इसी इसका अभी पतंजलि की पाउडर कंटिन्यू करूं कि विड्रॉ अभी रहने दूं मन नहीं मतलब। मैम कोई जरूर अभी नई जरूरत मेरे विचार से पुत्र जीवक की, अच्छा इसके इससे अच्छा आप शतावरी अश्वगंधा विदारी कंद मूसली ऐसे द्रव्यों का ओके प्रयोग करिएगा है ना, ओके और मैम फिर पुत्र जीवक का प्रयोग करें। पहले तो ठीक मेरे विचार से अभी तो उसको माइल्ड विरेचन देकर, आप विपिन पाचन विरेचन देकर उसको करेक्ट करिएगा, लाइफस्टाइल को सभी को करेक्ट करिएगा, रसायन करिएगा, फिर उपयोग करिएगा, ओके ठीक है। मैम आपने जो अभी बोला एक क्रमिक उठार का कोर्स तो वो कितने दिन तक देना है और कितनी डोज में? 7 to 15 days दे सकते हैं, 2 BD, 7 कम से कम 7 days तब, और फिर 15 days तक, 7 days तो दे कम से कम। ओके मैम और फिर मैम रसायन में क्या स्टार्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रसायन में देखिए, रसायन में आप एक तो सुवर्ण का कोई कल्प है, विदारी का जो ये होता है विदारी कंद पुनर्नवा बला, इसका क्षीरपाक है, कुष्मांड औलेह है, च्यवनप्राश है, फिर लाइक हमारे पास शतावरी और अश्वगंधा का विकल्प है, अश्वगंधा लेह है, ऐसे रसायन हम दे सकते हैं, अमृत प्राश है और नरसिंह रसायन है, तो आमतौर पर ये चल जाते हैं सारे, ठीक ओके है। मैम ओके सो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, आज थोड़ा सा कुछ बाहर वगैरह चलते हैं है ना रेखा जी, कहीं जी जाना है मैम क्या? नहीं आपको भी यस कहाँ जाना है? अरे आप तो पूरी तैयार है मैम नहीं मैं पार्टी। अभी आ रही हूँ, एक्चुअली आज मैं एक हेल्थ सेशन देख के आ रही हूँ वहां पे, मतलब जस्ट अवेयर करके लोगों को, गांव के लोग थे कि आज तक बीमार हो रहे हैं तो उससे कैसे वो बचे। एकदम प्रॉपर आप पार्टी के लिए तैयार लग रही है मुझे तो। थैंक यू मैम। मैम यस नव वर्ष पे और सुंदर लग करके दे सबको यस विदा करें और नए उसके साथ यस सबको ऑफ कोर्स, वेलकम बिल्कुल बिल्कुल करें मैम। यस, और हम मतलब जोश में तो रहना ही चाहिए है ना, यस क्यों नहीं मैम रहे? बिल्कुल यस मैम यस अच्छी लग रही है। यस थैंक यू मैम ओके सो चलिए ओके फिर आज थैंक कुछ नहीं है तो थोड़ा जल्दी भी छुट्टी कर लेते हैं, कल आराम करके फिर फ्रेश मंडे को ज्वाइन करते हैं नए साल में। जी मैम ओके ओके चलिए थैंक सभी यू को फिर से मैम एक बार शुभकामना, हमारे सभी दर्शकों को भी, और चलिए फिर कल मिलते हैं, हैव अ नाइस वीकेंड विथ नाइस हैप्पी मेमोरीज न्यू ईयर मैम। 2022।
एंड आई होप कि आपके आयुर्वेद प्रैक्टिस अभी 2023 में और ज्यादा चार चांद लगाए बढ़े. थैंक यू मैम. यस चलिए, नमस्कार. नमस्कार मैम.